इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को दम करने के लिए ये दुआ करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामा मिन कुल्ली शैतानी व हामा व मिन कुल्ली ऐनी लामा, जिसका तर्जुमा है मैं अल्लाह के मुकम्मल कलमात के साथ शैतान और जहरीली चीज़ हसद और नज़र बस से पनाह चाहता हूँ। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिसकी नज़र लगी होती उसे हुक्म दिया जाता कि वो वज़ू करे और फिर इस पानी से जिसे नज़र लगी होती वो गुस्ल करता। इसी तरह बच्चों को सुबह शाम के अस्कार याद करवा दीजिए, क्योंकि ये अस्कार नज़र बद और बाकी बलाओं से हिफाजत में ढाल का काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों पर आयतल कुर्सी, मौज़तन और बाकी नज़र बद से बचने की दुआएँ ज़रूर दम किया करें। देखिए, अक्सर गलती हमारी भी होती है कि हम खुद ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। पेरेंट्स इस हदीस को बहुत सीरियसली ले कि नज़र बद लगने की वजह से इंसान मर भी सकता है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा लोग अल्लाह के